हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है जेंडर प्रेडिक्शन बाय यूरिन। अब बहुत अटपटा सा लगता है कि क्या यूरिन के कलर से भी हम जान सकते हैं कि हमें बॉय होगा या गर्ल होगी। तो सबसे पहले मैं बात क्लियर कर देती हूँ कि जो यूरिन है उसमें होता है आपका HCG लेवल। आपके जब बॉडी में HCG लेवल बढ़ता है, यूरिन आपका डार्कर शेड का हो जाता है। जब कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है यूरिन लाइट हो जाता है। अगर आप कलर पे नोटिस नहीं करते तो आप एक बात गौर, आपने कभी ना कभी जिंदगी में गौर तो करी होगी कि जब आपको मतलब यूरिन पास करने जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, और आप कंट्रोल करके रखती हैं, रोक कर रखती हैं, तो आपका यूरिन डार्कर शेड का आता है। वो इसलिए ही आता है क्योंकि आपके जो यूरिन जहाँ पे स्टोर होता है, अगर बहुत ज्यादा देर तक वो रहता है, उसका शेड बदल जाता है। बट प्रेगनेंसी में आपको ये समस्या बिल्कुल नहीं होती क्योंकि आपको बार बार यूरिन करने की प्रॉब्लम रहती है। हर 5 मिनट बाद, हर 10 या कह लो 20 मिनट बाद तो आपको यूरिन पास करने जाना ही पड़ता है क्योंकि आपके जो नीचे जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है, मूत्राशय बीज कहते हैं जिसको हिंदी में, वहाँ पर दबाव पड़ता है क्योंकि उसके पास बच्चा जो है यूट्रस होता है और बच्चा स्टोर होता है, और वो बच्चा जो है आपके मूत्राशय पे दबाव डालता है जिसकी वजह से आपको बार बार यूरिन आने की समस्या रहती है। तो अब मैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे आती हूँ कि आपको कैसे पता लगेगा कि ये बॉय है या गर्ल है। तो देखो आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सुबह से अपने यूरिन का कलर जो है देखना स्टार्ट करना है। आप सुबह यूरिन पास करोगे डेफिनेटली आपको थोड़ा डार्कर शेड का दिखेगा अगर आपने बॉय कंसीव किया होगा तो। अगर आपको लाइट शेड का दिखता है तो गर्ल। और ये सब तब भी होता है अब अगर आप सोचें कि मैं रात को अगर आप यूरिन पास करने गए हो, ठीक है, बीच में उठ के 2-3 बार, तो ये आपको रिजल्ट क्लियर देगा। अगर आप रात भर बिल्कुल कंट्रोल करके रखा है आपने, आप सुबह यूरिन पास करने गए हो, डेफिनेटली आपको डार्क शेड का दिखेगा। तो अगर आपको एकदम करेक्ट जानना है कि आप जेंडर प्रेडिक्शन यूरिन के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आप एक बॉटल लीजिए, उसमें आप कम जो 1 लीटर की बॉटल होती है उसको धीरे धीरे करके आपको 5 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कंज्यूम करनी है। और उसके बाद यूरिन जब आपका आने का मन करे, क्योंकि आप इतना पानी कंज्यूम करोगे डेफिनेटली आपको यूरिन इसी टाइम आ जाएगा, तब आपको 5 मिनट तक अपने यूरिन को मतलब कंट्रोल करके रखना है, और उसके बाद जाकर आपको पास आउट करना है। उसके बाद जो आपको कलर दिखाई देगा, अगर तो वो पील येलो दिखाई देगा, बहुत डार्कर येलो दिखाई देगा, तो इसका मतलब है बॉय होगा। क्योंकि जब हमने बॉय कंसीव कर रखा होता है, हमारी बॉडी में मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी अलग तरीके से रिएक्ट करती है। हमारी बॉडी में हेयर्स ग्रोथ बढ़ जाएगी जैसे मेल्स की होती है, हमारी बॉडी में यूरिन का कलर डार्कर शेड का हो जाएगा क्योंकि HCG लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। वहीं अगर गर्ल होगी तो वो लाइटर शेड का होगा, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि हमारे ऑलरेडी गर्ल्स के अंदर वाई जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑलरेडी होते हैं, तो हमारी बॉडी गर्ल्स के टाइम पे इतना रिएक्ट नहीं करती। साथ में ही मैं बात करूँ तो मेनली हमारे जो हेयर्स की ग्रोथ है वो भी नॉर्मल रहती है, ऐसा कोई ऐसा बड़ा हमें देखने का इम्पैक्ट नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें देखकर भी आप इजीली पता लगा सकते हैं कि आपने बॉय कंसीव किया है या गर्ल कंसीव किया।